अवसर ऐप पर सारी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और आधी शुरू होने वाली हैं। तो इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि इस ऐप के माध्यम से आप कोई परीक्षा या फिर कोई टेस्ट कैसे दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं आ रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है या फिर कहाँ से आपको टेस्ट देना है। जो आपके सैट एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या फिर अगर आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे तो आपको किस तरह से करना है ये, तो आज की वीडियो में यही सब आपको समझाऊंगी गाइस। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जब आप अवसर ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा सा इंटरफेस शो होगा आपको, जिसमें एक्टिव सर्वे, टीवी शेड्यूल्स या फिर वीडियोस में जो आपकी वीडियोस पेंडिंग होंगी या जो आपने देखा होगी वीडियोस, वो सब कुछ। उसके अलावा एक वहां पर आपको शो होगा ऑप्शन जिसमें असेसमेंट लिखा होगा। उस असेसमेंट का मतलब है कि जो आपके असेसमेंट टेस्ट होने हैं या फिर जो आपने दे दिए हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करने से मिल जाएगी। जैसे ही आप इस असेसमेंट के ऊपर, असेसमेंट ऑप्शन जो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो देखिए कुछ ऐसा सा आपको इंटरफेस शो होगा जहाँ पर सब्जेक्ट्स शो होंगे आपको। लाइक जैसे आप ऊपर देख रहे हैं हिंदी या फिर गणित, मैथ्स और इंग्लिश, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स आपको शो होंगे। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, आप जिस सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे आपको उसका टेस्ट शो होगा। अगर आपने उसका टेस्ट दे दिया है तो वो भी आपको पता लगेगा, या फिर अगर आप उसका टेस्ट आया हुआ है तो वो भी आपको पता लग जाएगा। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए जैसे कि अब आगे EVS का भी एक ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट छोटे बच्चों के पास EVS होता है साइंस की जगह, साइंसेस और SST की जगह पर, तो यहाँ पर ये सब हो जाएगा। देन अगर देखिए जैसे मैंने मान लिया कि मुझे मैथ्स का पेपर देना है या फिर मैथ्स का टेस्ट देखना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे मैथ्स पर क्लिक करना है। जब मैं मैथ्स के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो देखिए सैट एग्ज़ाम आ गया है, उसका टेस्ट का सिलेबस बताया है कि दिसंबर के जो सिलेबस है उसके ऊपर डिपेंड होगा। और जब मैं उसे ओपन करूंगी तो यहाँ पर मुझे उसके बारे में पता लग जाएगा कि टेस्ट आया हुआ है या आना है या फिर अभी दे दिया है, ये सब कुछ। देन उसके बाद अगर मैं टेस्ट पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो आपका टेस्ट होगा उसमें 15 क्वेश्चंस होंगे या फिर 20 क्वेश्चंस होंगे, वो ओपन हो जाएंगे। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, इसमें पैटर्न है, इस पैटर्न को पूरा करना है, जैसे ABBCCDDE, तो उसके बाद क्या होगा, DE के बाद EF और FG, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है वो सही हो जाएगा। तो आपको इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आपको उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो ऑप्शन सही होगा आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको पता लगेगा कि जिस ऑप्शन पर आपने क्लिक करा है वहाँ पर एक लॉक का साइन आ जाएगा, वहाँ पर लॉक बन के आ जाएगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये ऑप्शन टिक हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद ऐसे ही आप स्क्रॉल कर करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर भी आपको एक पैटर्न बताना है, जैसे 26, 29, 32, 35, तो आपको यहाँ पर पैटर्न बताना है कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है और आगे क्या नंबर आएगा जिससे ये सीरीज जो है ये कंटिन्यू चलेगी ऐसी। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपको एक अच्छा टाइम मिलेगा जिसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। ओके, पूरा का पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही शो हो जाएगा कि कौन से मंथ का सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि दिसंबर मंथ के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस, उसी के हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, अच्छे से आप पेपर दीजिएगा। उसके बाद में 15 या 20 क्वेश्चंस आपके होंगे, उनको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर देखिए एक लॉक का आइकन दिख रहा है, जब आप क्लिक करेंगे तो लॉक का आइकन आपको नज़र आ जाएगा, उससे पता लगेगा कि आपने वो क्वेश्चन कर लिया है। और उसके बाद आपको नीचे एक सबमिट असेसमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, सबमिट असेसमेंट पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई भी बच्चा इस टेस्ट को करने के बाद इसको सबमिट करना भूल जाता है तो वो फिर लेबल नहीं होगा और उसके मार्क्स भी काउंट नहीं होंगे, ना उसको मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, आपको सारे एग्ज़ाम करने के बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे आपका एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद में आपको कुछ ऐसा सा पेज ओपन होगा जिसमें क्या है, जिसमें आपकी परसेंटेज शो होगी और आपके स्कोर पता लगेंगे कि किसने कितने स्कोर किए हैं। और ये तभी शो होगा जब आपका टेस्ट सबमिट हो गया, ठीक है ना। तो आपको टेस्ट सबमिट करना है, पूरा टेस्ट हो जाने के बाद तब आपके पास ये स्कोर आ जाएंगे। जैसे कि ये अगर आपने ये क्वेश्चन पूरे कर लिए और उसके बाद ये सॉल्व किया तो 80% मीन्स आपने 80% मार्क्स जो है वो स्कोर किए हैं और आपकी परसेंटेज जो है वो इतनी बनती है। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपको पता लगेगा कि आपने कितना स्कोर किया और आपके मार्क्स कितने आए, और ये साथ के साथ ही आपको बता देगा कि आपने इतने क्वेश्चन किए हैं और आपकी इतनी परसेंटेज बन रही है और इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने क्वेश्चन गलत हैं। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर पता लग जाएंगे, बट ये सब कुछ कब होगा, जब टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद।
नीचे जब आप स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता लग जाएंगे वहाँ पर, कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर था और आपने कौन सा आंसर दिया है, आपका आंसर सही है या गलत है। तो ग्रीन कलर में आपको जो क्वेश्चंस के आंसर दिखेंगे वो सही होंगे और रेड कलर में जो होंगे वो गलत होंगे, और यहाँ पर साथ के साथ वो भी बता देगा कि आपने कितने किए सही और आपने कितने गलत किए। तो ये करना बहुत ज़रूरी है गाइज, ओके। तो उसके बाद में क्या होगा, आप सबमिट करिएगा, टेस्ट पूरा हो जाने के बाद में सबमिट करने के बाद आपके स्कोर पता लग जाएंगे। स्कोर के बाद आप उन क्वेश्चंस के आंसर भी देख सकते हैं कौन सा आपने सही किया कौन सा आपने गलत किया। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस थी और बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बट जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि किस ऑप्शन पर क्लिक करें और कहां से जाएं, कौन से ऑप्शन से एग्ज़ाम आएगा या फिर कहां से सबमिट होगा, सबमिट नहीं हुआ तो क्या होगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको बच्चों, बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको सारा टेस्ट करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करना है, देन उसके बाद आपके स्कोर वगैरह शो हो जाएंगे। और सबमिट पर क्लिक करना बिल्कुल भी भूलिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे आपको, एक छोटा सा ट्यूटोरियल था जिससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप अपना टेस्ट दे सकते हैं और किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कहाँ से क्या ओपन होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई आपके लिए। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल स्टेप्स में मैंने ये सब कुछ बताया है आपको, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपका कोई डाउट होता है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ डू अ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सब समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन दूं तो वो जल्दी से जल्दी आपको पता लगे, आपके पास नोटिफिकेशन मिले और आप वो देख सकें। सो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें जिनको भी इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।